नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और मेड इन इंडिया में आज बात होगी वकाओ फूड्स की, एक ऐसी कंपनी जो कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है, रेडी टू ईट या फिर रेडी टू कुक फूड जो है वो आपके घरों तक पहुंचाती है। मेरे साथ फाउंडर और CEO सायराज ढोंड यहाँ पर जुड़ गए हैं। सायराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वकाओ फूड्स के अंदर जो जैक फ्रूट है उसका आप इस्तेमाल करते हैं, देसी भाषा में हम जैक फ्रूट को हिंदी में कटहल भी कहते हैं, और ये एक सब्स्टिट्यूट एक तरह से कहा जाता है चिकन का। आपका क्या आइडिया था वकाओ फूड्स की शुरुआत के पीछे? नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आइडिया बहुत सिंपल था, कटहल, जैकफ्रूट माने कटहल। मुझे तो लगता है कि भारत के ऑलमोस्ट 80-90% लोगों ने कटहल कभी ना कभी अपनी जिंदगी में खाया होगा, किसी ना किसी रूप में तो खाया होगा। तो मुझे ये मालूम है कि बचपन से मेरी दादी हमें खिलाती थी ये कटहल बोल के कि ये चिकन की भाजी है। तो सबकॉन्शियसली हम हमेशा से ही कटहल खा रहे सोच के कि ये एक मॉक मीट है या एक मीट के बहुत ही आसपास का एक सब्जी है। तो आइडिया इतना था कि आज दुनिया में ये पेंडेमिक के वजह से और लोग आज हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट्स चुन रहे हैं, उन्हें बहुत पीपल आर वेरी कंसर्न अबाउट उनके प्लेट पे क्या आ रहा है। सो मुझे लगा कि ये एक ऐसा अंडर प्लेड, अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट फ्रूट है अपना, जो हमारे बैकयार्ड में बगीचे में उगता है पर किसी को उसकी परवाह नहीं है, नो वन वैल्यूज इट। तो मुझे लगा कि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक जैकफ्रूट फ्रॉम आवर बैकयार्ड टू द वर्ल्ड, और उसी उसी इंटेंशन से मैंने ये चालू किया। और देखते देखते लोगों को बहुत पसंद आने लगा, हमने बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन निकाले और फिर हमने जैकफ्रूट को रीलॉन्च किया पूरे इंडिया में इन अ न्यू अवतार, एक जो लोगों ने देखा नहीं था आज तक, उन्हें मालूम नहीं था कि कटहल इस अवतार में भी बन सकता है। और हाँ, ये था मेन आइडिया बिहाइंड वकाओ। हमारे घरों में कटहल की वो नॉर्मल सी सब्जी हम सबने बनते हुए देखा है, और यकीन मानिए जब मैं आपकी वेबसाइट देख रही थी तो कितने अलग अलग चीजें आपको इस एक फ्रूट से मिल सकती है ये आपने साफ तौर पर सबको बता दिया है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये सायराज कि लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हुआ करते थे, अब वीगन की तरफ एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड है, और आप ये कहते हैं कि आप प्लैनेट को फायदा पहुंचाना चाहते थे, धरती को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो इसलिए वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से मूव करके वीगन की तरफ बढ़े, कुछ ऐसा मकसद रहा आपका? बिल्कुल। तो मेरा नंबर वन मकसद था कि जो भी प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा ये दुनिया के हर आदमी या औरत ने खाना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मॉरल, रिलीजियस और एनी अदर काइंड ऑफ मॉरल कंपल्शन जैसे होता है ना, तो वो नहीं होना चाहिए, और इसलिए वीगन। तो दुनिया का कोई भी आदमी ये प्रोडक्ट, वकाओ का प्रोडक्ट खा सकता है बिना किसी हिचकिचाहट की कि ये किसी जानवर को मार रहा है या इट्स बैड फॉर द प्लैनेट। तो वकाओ इज बिल्ड ऑन 3 or 4 इथोस, ये हमारे मेन थिंग है। वन इज दैट इट इज एनिमल क्रुएल्टी फ्री, तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें किसी भी जानवर का कोई भी नुकसान ना हो, किसी भी तरह का तकलीफ ना हो। दूसरा, इट हैज टू बी ग्रेट फॉर प्लैनेट अर्थ, तो कार्बन फुटप्रिंट्स अभी इतने बढ़ रहे हैं, इतना सब पॉल्यूशन हो रहा है ड्यू टू पोल्ट्री एंड कैटल रेयरिंग, इतना इट्स हैविंग अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन आवर प्लैनेट एंड ऑन द एनवायरमेंट, तो वो हमें कम करना था। और तीसरी चीज ये थी कि ये खुद के लिए अच्छी होनी चाहिए, खुद के सेहत के लिए अच्छी होनी चाहिए और टेस्टी होनी चाहिए। तो ये तीन इथोस पे हमने वकाओ बिल्ड किया था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट्स वीगन एंड व्हाई इट्स गुड फॉर द प्लैनेट। सायराज, सबसे ज्यादा चीज जो अट्रैक्ट करती है वो ये कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, फिर चाहे रेडी टू कुक हो या फिर रेडी टू ईट हो, किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और एक साल तक के लंबे समय तक इन्हें यूज किया जा सकता है। आखिर कैसे ऐसे समय में जब हर खाने में, हर रेडी टू ईट फूड में या फिर प्रोसेस्ड और फ्रोजन फूड में हम देखते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स की मदद से ही उन्हें संभाल के रखा जा सकता है, ऐसे में जैकफ्रूट में ऐसा क्या खास है या फिर वकाओ फूड्स में ऐसा क्या खास है कि बिना प्रिजर्वेटिव्स के इन्हें एक साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है? तो हम एक बहुत ही
सिंपल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट्स को इन प्रोडक्ट्स को ये शेल्फ लाइफ मिलती है। और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कहता चाहता हूँ कि ये इसे किसी भी तरह का रेफ्रिजरेशन की भी जरूरत नहीं है। सो आवर प्रोडक्ट्स अंडरगो अ सिंपल प्रोसेस कॉल्ड रिटॉर्ट पैकेजिंग। ये एक हीटिंग प्रोसेस होता है जिससे हम वाटर प्रेशर में हीट में बैक्टीरिया को मार डालते हैं जो पैकेट्स के अंदर होते हैं, और इस वजह से हमें एक 12 महीने का शेल्फ लाइफ मिलता है। रेफ्रिजरेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इट बिकम्स एन एम्बिएंट टेम्परेचर प्रोडक्ट। तो मेरा एक हमेशा मानना था कि मुझे हमारे प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव्स नहीं चाहिए। ये एक मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे अपने बेटे को 3 साल के बेटे को ये प्रोडक्ट बिना किसी हिचकिचाहट खिलाना चाहता हूँ, और अगर मैं अपने बच्चे को खिलाना चाहता हूँ, इट हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट हेल्दी प्रोडक्ट्स। एंड दैट्स व्हाई आई वांट एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड टू कंज्यूम बकाओ फूड प्रोडक्ट्स, बीइंग वेरी क्लियर दैट दिस इज प्रिजर्वेटिव फ्री, क्रुएल्टी फ्री, एंड इट इज अ टेस्टी प्रोडक्ट। सारज, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह भी है कि क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स की बात यहाँ पर करते हैं, ऐसे में मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि फूड सेक्टर, जो कि एक्चुअली में बहुत हद तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं करता है, आपके जैसी कंपनीज को और ज़्यादा आने की ज़रूरत है या इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने की ज़रूरत है जो कि पूरे के पूरे इस फूड सेक्टर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ावा दे? Absolutely, it is the time now, na? और कब के लिए रुकेंगे? अभी देखो, science and technology has scaled to such an extent today. आज दुनिया में कितने नए नए technologies आ गए हैं जिससे हम carbon footprint reduce कर सकते हैं, जिससे हम environment healthy products बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी ने अभी जो पहले से भी जो players है उन्होंने नए तरीके ढूंढने चाहिए जिससे हम कार्बन फुटप्रिंट्स कम कर सकते हैं, जिससे एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, राइट फ्रॉम द पैकेजिंग टू व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स गो इनटू मेकिंग द प्रोडक्ट। तो मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम एंड द न्यू जनरेशन टूडे हैज टू स्टैंड अप। और मैं देखता हूँ, मैं पिछले दिनों में आई वॉज अ पार्ट ऑफ स्टार्टअप कॉम्पिटिशन कॉल्ड शार्क टैंक इंडिया। वहां पे इतने सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आए हैं जो लोग जो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें कर रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। आप ईवीज देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आर बूमिंग टुडे। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर ऑल सच स्टार्टअप्स। और मुझे लगता है कि लोगों ने अभी कुछ ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। दे हैव टू, व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, मेक श्योर इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। दैट शुड बी द बेसिक मंत्रा। देखिए, 2022 की शुरुआत है सायराज, क्या कुछ कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स हैं, क्या कोई नया प्रोडक्ट बाजार में आप लेकर आने वाले हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट ये, मैं जब किसी को बता रही थी वकाओ फूड्स के बारे में तो उसने मुझे कहा कि क्या स्वीडिश भी आ सकती है आने वाले दिनों में जैक फ्रूट की कोई? तो हमारे एक्सपेंशन प्लान्स बहुत है। वी हैव जस्ट रेज्ड अ फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग। तो हम अभी फिलहाल एक साल में हम 4 कंट्रीज में ऑलरेडी है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 4 कंट्रीज में। हमें उसको बहुत बढ़ाना है। मुझे तो लगता है कि द वर्ल्ड इज आर होराइजन एंड आर प्लेग्राउंड, वी नीड टू गो टू मेनी मोर कंट्रीज। इंडिया की बात अगर आप करें तो हमारे ऑलरेडी 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स है अक्रॉस इंडिया, और अगले 2 या 3 महीनों में और 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करना चाहते हैं डिफरेंट सिटीज इन इंडिया। ऑनलाइन सेल्स बहुत बढ़िया है, B2C इज द फ्यूचर, बहुत सारे ऑर्डर्स वहां से आ रहे हैं। So right now we have 5 products, हमारे और 6 product launch होने वाले हैं अगले महीने में, within this month, और 6 new products, और ये एकदम बढ़िया products आने वाले हैं। हमारा पहला जो था, मैं हमेशा कहता हूँ वो एक trial था, अभी हम सीख गए game, और अभी हम पूरी पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं with some amazing products उसको बढ़ाने के लिए। And I feel Wakao is today, आप अगर I don't know if you know about this, पर हमारा हिल्टन ग्रुप के साथ एक पैन इंडिया टाइप था। तो हिल्टन के सब 18 होटल्स में इन इंडिया, दे वर रनिंग अ कैंपेन कॉल्ड द वकाओ, और वहां पे उन्होंने 9 डिशेस किए थे हमारे प्रोडक्ट से, और उनमें से 2 स्वीट डिशेस थे जैसे आप अभी पूछ रहे थे। तो वकाओ के हमारा एक रॉ जैक फ्लेवर है, रॉ जैक फ्रूट, जो रॉ जैक फ्रूट है इन रेडी टू कुक फॉर्मेट। उससे आप बिरयानी से लेके पास्ता से लेके एक टार्ट से लेके केक से लेके कुछ भी बना सकते हो।
इट्स द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट वर्सिटाइल प्रोडक्ट्स आई हैव एवर सीन, तो उससे आप कुछ भी बना सकते हो। एंड लगभग 70 से 80 होटल्स इंडिया में हमारे रॉ जैक से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और डिशेस बना रहे हैं जो लोग खा रहे हैं और बहुत पसंद भी कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, जो जो व्यूअर्स सही मायनों में आपको इस समय सुन भी रहे होंगे वो एक बार तो ज़रूर इस जैक फ्रूट के बारे में सर्च करेंगे, जानेंगे कि कैसे ये सुपर फूड है और कैसे ये आपकी सेहत के लिए और भी लाभदायक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सायराज, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 2022 की शुरुआत है और जो भी टारगेट्स आपने अपनी कंपनी के लिए सेट करे हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो बहुत जल्द से जल्द पूरे हों। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फिलहाल मेड इन इंडिया में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं एक और खास मेहमान से, कराएंगे आपकी मुलाकात। आप बने रहिए हमारे साथ।